दुबई में तुम्हें जिसने अब तक परेशान किया था वो इंसान परमीत था। हाँ, उसने वहां मुझे ऑफिस में छेड़ा था, मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसने। मेरी ही ऑफिस के एक औरत ने मुझ पर शोषण का आरोप लगाया, उसकी बातें मान ली गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं गया उस औरत के पास, मैंने उसके पैर पकड़े, मैंने उसके हाथ जोड़े, मिन्नत की, तब जाके उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने मुझसे पैसों की डिमांड करी अपना केस वापस लेने के लिए। I don't believe it. उसने हमें, हम सबको एक अलग ही कहानी बताई थी। मैं जानती हूँ इशिता, उसने आप लोगों से पैसे भी लिए थे। हाँ, लेकिन उसमें से मुझे आधे भी नहीं दिए उसने। और जब मैंने उसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो उसने मुझे धमकी दी कि मुझे इतना बदनाम करेगा कि कोई भी मुझे नौकरी पे नहीं रखेगा। मेरी माँ बहुत बीमार है इशिता, मेरे पास पैसे नहीं उनके इलाज के लिए, इसीलिए मैंने उसके इस नाटक में उसका साथ दिया था कि मुझे पैसे मिलेंगे और मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। उसने सिर्फ 3 लाख रुपए दिए मुझे। 3 लाख? हम लोगों ने उसे 15 लाख रुपए दिए थे, पता है? और बाकी के सारे पैसे उसने अपने पास रख लिए। माय गॉड, परमीन जी, ये पैसे लीजिए और उस लड़की को दे आइए। अरे नहीं रमन, हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते। वैसे ही हमारी वजह से इस घर में काफी कुछ हो चुका है। अनबिलीवेबल, इतना बड़ा धोखेबाज, इसने पहले दिन से हमें धोखा दिया, इसने हमेशा झूठ बोला हमसे, इसने पहले तुम्हें हरास किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, और अब मेरे साथ भी सेम पैतरे अपना रहा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, हमारे परिवार का दामाद इतना गलत इंसान हो सकता है? He's such a dangerous man. और मुझे लगता है कि ये इंसान अब यहाँ रुकने भी नहीं वाला है, ये इसके आगे भी कुछ करेगा। ओ जी, क्यों होया? ये सूटकेस कहाँ से चुगला है? कहीं जा रहे हो तुसी? नहीं सिमी, हम यहाँ से जा रहे हैं, इस घर से। अरे ये क्या बात हुई? हाँ बोल परमिती, क्या होया पुत्र? मम्मी जी, मैंने एक रूम लिया कोंडली एरिया में, अब से हम वहीं पे रहेंगे। वो बस्ती में रहोगे? मत मारी गई है क्या? हमारे नौकरानी ना रेखा, वो उधर रहती है, तो उधर जाके कहाँ फ्लैट ले लिया? हाँ, एक रूम है, बाथरूम है, हम जैसे होगा वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, फिर बाद में देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल तो मम्मी जी, मैं सिमी को जैसे रख सकता हूँ वैसे ही रखूँ। क्या बके जा रहे हो तुसी? हाँ, क्या हो गया सडनली? किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताओ। हाँ, और मैं बताती हूँ तुझे। परमिती, कल के ड्रामे के बाद तूने ये फैसला लिया ना? ओए पुत्र, तू कहाँ इस मद्रासन की बातों में आ रहा है? मम्मी जी, जो हुआ सो हुआ, किसी के भी मन में वहम नहीं रहना चाहिए। ओ जी, कहता वहम? मैंने कुछ कहा कि आपको नहीं ना, और फिर वो बात तो वहीं खत्म कर दी थी ना हमने। सिमी, बात अभी शुरू हुई, ये घर रमन का है, उसकी बीवी का है। ओए, ये घर तेरे पापा जी का था और रहेगा, समझा तू? कोई कहीं नहीं जा रहा, बस उसी घर में शांति रखो। रमन भाई साहब ने, इश्ता जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी रह लेंगे। ओए, रिश्ते वो मद्रासन तोड़ रही है, तू हमें छोड़ के क्यों जा रहा है? देख पुत्र, मैं तेरी भी माँ हूं ना तो बस फिर माँ का कहना मानना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे बता रही हूँ बस। अगर आप नहीं होते तो हम बेघर हो जाते। ओए खोतिया, ऐसे बेघर हो जाते? ओए, अभी मैं जिंदा बैठी हूँ ना, अब तुम दोनों इस बात को भूल जाओ। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं इस घर में रुक जाता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी नौकरी से आप सबको आज पार्टी दूंगा, पहले पिक्चर चलेंगे फिर डिनर। ओ चकदेव पटेल, ओए आज तक मैंने कभी घूमने के लिए मना किया है ना? नहीं ना, तो बस उन सब चीज को गोली मार, ते मौजा करेंगे, आज रात की पिक्चर पक्की। ओए ए गल होई ना, चल पागल, बड़ा आया घर छड़ के जान वाला।
औरतों को कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, और खोला तो इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। निशिता जी, अब सब जाएंगे पिक्चर, और मैं और आप आएंगे और पास। गलती मेरी भी तो है, मैंने गलत इंसान का साथ दिया। मैंने उसकी मदद की, वो इंसान जो कि औरतों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, मैं क्या बोलूंगी अपने हस्बैंड से? इस इंसान को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे मैं दिखाऊंगी उसकी औकात, मैं अपने पूरे परिवार को बताऊंगी उसके बारे में, सबको दिखाऊंगी मैं कि जिन लोगों पे हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, वही लोग हमें धोखा देने में सबसे आगे होते हैं। इनको शायद देता है हमारे परिवार के बदनामी का डर, इसे मैं इसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। लेकिन सारिका, मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी? तुम्हारी मदद करोगी मेरी? हाँ, मैं भी ये सब कुछ और नहीं सहूंगी। I will help you. And believe me, एक बार इसका सच मेरे पूरे परिवार के सामने आ गया ना, तो इसे बहुत बड़ी सजा दिलवाएंगे। और फिर ये ना तो किसी को धमकाने के लायक बचेगा और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लायक। परमीत अब नहीं बचेगा। अरे सिमी, पापा जी चलिए, टिकट आ गया। चल पुत्र, टाइम भी हो गया। तुसी ने चंगा किया मूवी का प्लान बना के, अब सबका मूड अच्छा हो जाएगा। ओ छेती करो छेती करो, पिक्चर से पहले मैंनू अपने डैड की ड्रिंक भी लेनी है। छेती छेती छेती, ओ रोमी किधर है? रोमी नीचे गाड़ी निकाल रहा है। ठीक है। ओ रिंकी, ओ छेती कर, तेरी शादी नहीं हो रही, इतनी तैयार हो रही है, और वैसे भी वहां पर अंधेरा ही होना है हाल में। ओ तुसी क्यों तैयार हो रहे हो? मम्मी के साथ में चल, मैं शर्ट चेंज करके आता हूं। अरे तुम्हारी भाभी कहाँ है? उनका टिकट हमारे पास में, वो आई नहीं अभी तक। हाँ, एक मिनट फोन करती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं जीजू, भाभी का फोन तो ऑफ आ रहा है, क्लिनिक फोन करके देख लेती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर इशिता है जी? वो तो निकल गई है। मैं पूछता हूँ। हेलो, अरे जरा रिसेप्शन से पूछेगा ना। कौन वो? सारिका मैडम, वो तो डॉक्टर साहिबा के साथ ही निकली हैं। ओके। जीजू पापा मिस्ड कॉल दे रहे हैं, एक काम कीजिए ना, आप टिकट हॉल की सिक्योरिटी के पास दे देना। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं जरा आता हूँ। अरे बाप रे, सारिका ने कहीं कुछ उगल तो नहीं दिया? इशिता जी पहले से ही खार खाई हुई हमसे, अगर दोनों मिल गए तो पोल खोल देंगे मेरी। परमीत सोचना पड़ेगा, कुछ दोरी चाल सोचनी पड़ेगी। आमिर, घर पे सब ठीक था? रमन, तुम्हें अभी तो बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इशिता से बात नहीं हुई ना, और सुबह से उसका फोन ऑफ आ रहा है। रमन, मैं घर गया था, भाभी ठीक ठाक थी, आई मीन थोड़ी सी चुपचाप थी, कुछ कहा नहीं उन्होंने। मैंने आंटी से भी पूछा, आंटी ने भी कहा सब कुछ ठीक ठाक है। अगर तू चाहता है तो मैं एक बार फिर दोबारा शाम को चले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, शाम तक तो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। इनफैक्ट 11 बजे लैंड कर रहा हूँ, तो गाड़ी भेज देना। ठीक है, ओके, आई विल मेक श्योर दैट द कार इज देयर। बाय। स्टॉप इट, कुछ ठीक नहीं है, पागल हो गए हो तुम? मैं तो सिर्फ दोनों साइड्स बैलेंस कर रहा हूँ यार। आखिर रमन की बीवी को भी पता चले कि रमन ने सारी रात कहाँ बिताई, अब मैं भी देखता हूँ कि रमन कैसे रहता है हैप्पीली मैरिड। लिसन, एक वक्त था जब तुम्हारे प्लान्स काम करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता। तुम खामखा ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सब करने से मेरी ही बदनामी होगी, मेरा नाम खराब होगा। व्हाई वुड यू डू दैट टू मी? मेरा है बदनामी? किसकी बदनामी? तुम्हारी? शगुन, हु आर यू, व्हाट आर यू? मिसेस खन्ना तो तुम हो नहीं, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर मैरिंग यू, और मिसेस भल्ला तुम रही नहीं, सो मे बी तुमने सोचा कि बॉम्बे आके मैं एक रात के लिए मिसेस भल्ला बन जाती हूँ। इज दैट इनफ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। यू नो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि जब तुम उसके साथ थी तो तुम रातें मेरे साथ बिताया करती, और अब जब उसका सितारा बुलंद है तब तुम उसके पास चली गई। अपॉर्चुनिस्ट शगुन, बेवकूफ उससे बनाओ जो तुम्हें जानता ना हो। You disgusting.
और गेट लॉस्ट। मुझे भी रमन कुमार भल्ला की ये मैरिज दे दो। इशिता का फोन क्यों उठा? नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि फोन किसे करना है। ये औरतें अपनी फैमिली मेंबर्स को बचाने के चक्कर में ना खुद के ऊपर शोषण सहती रहती हैं। But you've got to understand this, कि जो आदमी आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर रहा है वो किसी और औरत के साथ भी ऐसा कर सकता है कि नहीं? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू हर कि ये सब नॉनसेंस नहीं टॉलरेट कर सकती है वो। उसने वहां मुझे ऑफिस में छेड़ा था, मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसने, और जब वो पकड़ा गया तो उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। क्या करूं मैं अय्यप्पा, क्या करूं मैं? अगर इस बारे में अपने घर में किसी से भी बोलूंगी तो पूरा परिवार हिल जाएगा, और अगर नहीं बोलूंगी तो मामला हाथ से निकल जाएगा और ज्यादा बिगड़ जाएगा मामला। सारे का कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। थैंकफुली मेरे साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मैं बच गई हूँ। लेकिन सच है ना, अभी तक मामला हाथ से नहीं निकला है। क्या मुझे उसे एक और चांस देना चाहिए? क्योंकि उसकी एक बेटी है, एक बीवी है, वो बीवी जो मेरी ननद है। देना चाहिए, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अकेले में नहीं। अकेले में तो मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी। मिलूंगी पर सिम्मी और मम्मी जी के सामने। क्या हुआ? अरे वो कार फुल हो गई ना, तो भाई ने बाइक की चाबी मंगाई है। एक मिनट इनकी, एक काम करो तुम, चाबी मुझे दो। रोमी को बोलो कि पापा के साथ कार में निकल जाए, मैं बाइक से आता हूँ। बेबी का दूध भी छूट गया है ना, तो पिक्चर हॉल में परेशान करेगी, ठीक है? एक मिनट, टिकट ले जाओ। जीजू प्लीज जल्दी आना। अब आ जाओ इशिता जी, आपसे भी खुल्लम खुल्ला बातें हो जाए। धीरे धीरे पी परमित्ते, अब तो मूड बना इश्ता जी के लिए। मम्मी जी और सिम्मी तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, जैसे भी हो अपना नजरिया तो उन्हें समझाना ही होगा। सब ठीक होगा। मम्मी जी, रिंकी, कहां गए सारे घर वाले?
कोई नहीं है घर पे, किसको ढूंढ रही है? कहाँ गए सब लोग? पिक्चर देखने गए हैं। आपका फोन ट्राई कर रहे थे तो मिला नहीं, वो अकेले ही चले गए। Excuse me? Oh, excuse. Excuse ही excuse है, जाइए। आपने पूछा नहीं कि हम क्यों नहीं गए? एक्चुअली आपकी ही खातिर हमने बहाना बना करके यहां रुक गए। हम भी पागल थे, नहीं मतलब क्यों जल्दबाजी कर रहे थे समझ नहीं आया। वो क्या है ना कि उस दिन सब लोग घर में थे, आप भी परेशान हो गई थी। हर इंसान को बदनामी का डर होता है।